खेसारी लाल यादव। जी हाँ, खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी दोस्ती के किस्से आपने बड़े कम सुने होंगे, लेकिन दुश्मनी के चर्चे आपने बहुत देखे होंगे। और हाल ही में ताजा ताजा और नए नए उनके दुश्मन बने हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। जी हाँ, आपके अगर कानों को यकीन नहीं हो रहा है तो आप यकीन कर लीजिए, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव के बीच में आ गई है बहुत बड़ी दूरी। जी हाँ, इन दोनों के बीच में जो कभी दोस्ताना रिश्ते हुआ करते थे, अब सूत्रों से पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी खींचतान आ गई है, और इस खींचतान की वजह है फिल्म सैयां अरब गई नैना। जी हाँ, सैयां अरब गई नैना, जो रत्नाकर कुमार की फिल्म है जिसे प्रोड्यूस रत्नाकर कुमार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर पहले रत्नाकर कुमार खेसारी लाल यादव के पास गए, लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म के लिए भारी भरकम रकम मांगी तब रत्नाकर कुमार को लगा कि इस फिल्म में खेसारी के बजाय दिनेश लाल यादव निरहुआ को क्यों न लिया जाए। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए खेसारी लाल यादव ने पूरे 50 लाख रुपये मांगे थे, जो कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम में दिनेश लाल यादव निरहुआ की फीस है। अब रत्नाकर कुमार इस फिल्म को लेकर सीधे पहुंच गए दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास, और जब दिनेश लाल यादव निरहुआ के पास गए तो उन्हें यह स्टोरी बहुत पसंद आई, और दिनेश लाल यादव निरहुआ ने झट से इस फिल्म के लिए हाँ कह दी। आपको यहाँ एक चीज़ और बता दें कि इस फिल्म को साइन करने से पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ को इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने डिमांड नहीं की थी किसी फीस की, लेकिन सभी को पता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ कितनी फीस में फिल्मों में काम करते हैं। वैसे आपको बता दें कि सैयां अरब गई नैना खेसारी लाल यादव के ही एक एल्बम का गाना है जो काफ़ी सुपर डुपर हिट हुआ था, और अभी भी यह गाना खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा हिट सॉन्ग है, और आज भी इस गाने पर उनके फैंस झूमते हैं। तो इस गाने से रिलेटेड अगर कोई फिल्म बन रही है तो लोग यही सोचेंगे कि फिल्म में खेसारी लाल यादव हो, और इस बात का रियलाइजेशन खेसारी लाल यादव को बहुत देर बाद हुआ। वैसे एक बात और है कि ये पहली बार नहीं है जब खेसारी लाल यादव की फिल्मों में दिनेश लाल यादव निरहुआ नजर आ रहे हों। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ इससे पहले खेसारी लाल यादव की कई फिल्में दिनेश लाल यादव निरहुआ के हाथों आ चुकी हैं, लेकिन तब खेसारी लाल यादव को इस फिल्म के लिए कुछ बुरा नहीं लगा। लेकिन अब जब सैयां अरब गई नैना की बात आई और जहाँ पैसों को लेकर बात आई, यहाँ पर तनातनी खिंच गई, और अब खेसारी लाल यादव को ये लग रहा है क्या वो दिनेश लाल यादव निरहुआ से छोटे स्टार हैं जो उन्हें 50 लाख रुपए एक फिल्म के लिए नहीं दिए जा सकते। अब भाई खेसारी लाल यादव जी, हम आपको यहाँ यही कहना चाहेंगे कि वो तो फिल्म के प्रोड्यूसर को तय करना है कि आप दिनेश लाल यादव निरहुआ से बड़े स्टार हैं या फिर छोटे स्टार हैं, या फिर आपको दिनेश लाल यादव निरहुआ से ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए या कम पैसे मिलने चाहिए। अब फिल्म के प्रोड्यूसर रत्नाकर को ये लगता है कि अगर आपसे बेटर वो फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेंगे तो उन्हें लगता है इसके लिए आप इस छोटी सी बात को लेकर अपने और निरहुआ के बीच शुरू कर चुके हैं। वैसे आप वही हैं जो दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना बड़ा भाई कहते थकते नहीं हैं, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी के बीच ये तनातनी तब जग जाहिर हुई जब आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। भोजपुरी जगत के सभी स्टार उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे सिवाय खेसारी लाल यादव के। खेसारी लाल यादव वहां सपोर्ट करने पहुंचे तक नहीं, और साथ में उन्हें मैसेज तक कुछ नहीं छोड़ा। आपको ये बता दें कि खेसारी लाल यादव के फैंस ने तो कई बार यहां तक लिखा कि अच्छा हुआ कि दिनेश लाल यादव निरहुआ इस चुनाव में हार गए, अखिलेश यादव ने उन्हें उनकी औकात दिला दी याद। आपको ये बता दें कि कई निगेटिव कमेंट्स दिनेश लाल यादव निरहुआ के विरुद्ध खेसारी लाल यादव के फैंस ने चलाए, क्योंकि खेसारी लाल यादव के फैंस को ये पता चल चुका है दिनेश लाल यादव निरहुआ और खेसारी लाल यादव के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। दोनों में आए दिन मनमुटाव जग जाहिर हो रहे हैं, और दोनों के बीच लगातार कोल्ड वार बढ़ती ही जा रही है, और यह हो सकता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ये कल के पवन और खेसारी के खिस्सों वाली कहानी हो जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।
हाँ।